ओके क्लास, अब इस चैप्टर से रिलेटेड हमारे पास कुछ एक्सरसाइज मौजूद हैं पेज नंबर 77 पर. ठीक है, ओपन कीजिए. चलें फर्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं. क्वेश्चन मैम रीड करके बता रही हैं आपको. फाइंड वर्ड्स इन द चैप्टर दैट हैव द सेम मीनिंग एज द वर्ड्स ब्लो. ठीक, अब ये क्या कह रहे हैं आपसे कि जो वर्ड्स गिवन है आपके पास, आपने इन वर्ड्स की सेम मीनिंग के वर्ड्स लिखने हैं. ठीक है, जैसे आप वर्ड्स मीनिंग करते हैं ना, एक वर्ड होता है उसकी उसी मीनिंग के जैसा दूसरा वर्ड लिखना होता है. यानी ऐसा वर्ड यानी जो दोनों सेम मायने दे रहे हो. ठीक है, यानी चेंज. अब चेंज के लिए हम और कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं? करेक्ट आंसर क्या है? डिफरेंट. ठीक है, यानी चेंज का मतलब भी मुख्तलिफ है और डिफरेंट का मतलब भी मुख्तलिफ है. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. नॉट द सेम, जो सेम ना हो तो उसमें हम क्या वर्ड यूज करेंगे उसके? नॉट द सेम और इसकी मीनिंग क्या होगी? नॉट सिमिलर. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. लेंथ, लेंथ किसको कहते हैं? लंबाई को कहते हैं. इसके लिए और क्या वर्ड यूज कर सकते हैं हम? लेंथ एलोंगेशन. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. रूल, रूल और इसके लिए क्या मीनिंग है? मेथड या प्रिंसिपल. ठीक है, ओके. अब नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं. व्हाट आर दीज टूल्स यूज्ड फॉर? न्यू स्लाइड्स एनेबल्स अस टू डैश. ऑप्शन ए ऐड अ स्लाइड टेम्पलेट्स, या ऑप्शन बी ऐड मोर स्लाइड्स. तो करेक्ट आंसर, अभी हमने चैप्टर में रीड किया ना, न्यू स्लाइड्स हम किस लिए बना रहे होते हैं, उसके मतलब उसके लिए हमें और क्या चाहिए होता है, हम उसमें और क्या चीज़ें ले रहे होते हैं? ऐड मोर स्लाइड्स, मजीद स्लाइड्स हमें बनानी होती है ना. नंबर टू, स्मार्ट आर्ट अलाउज अस टू डैश. ऑप्शन ए ऐड शेप्स टू अ पिक्चर, ऑप्शन बी मेक फ्लो चार्ट्स. तो स्मार्ट आर्ट अलाउ जो है उससे हम क्या कर रहे होते हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या है? मेक फ्लो चार्ट्स. हम उसके स्मार्ट आर्ट अलाउ से जो है उसको किस चीज़ की इजाज़त है, यानी वो हमें फ्लो चार्ट्स बना के दे रहा होता है. ठीक है, नंबर थ्री, टेक्स्ट आउटलाइन डिटरमाइंस डैश. ऑप्शन ए द आउटलाइन ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स, ऑप्शन बी द कलर द आउटलाइन ऑफ द टेक्स्ट इज इन. तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी. ठीक है, नंबर फोर, टेक्स्ट फिल एड्स डैश. ऑप्शन ए टेक्स्ट टू द स्लाइड्स, ऑप्शन बी कलर टू द टेक्स्ट. तो टेक्स्ट जो है हम एड्स में फिल कर रहे होते हैं किस चीज़ से? कलर. टेक्स्ट में हमें कलर जब करना होता है. ठीक है, तो ये हो गया आपके MCQs, आपने बहुत अच्छे से करना है वर्क. ठीक है क्लास, चैप्टर को रीड कीजिएगा बहुत अच्छे से खुद से. मैम ने आपको स्टार्ट का पेज रीड करवाया है ना, रीडिंग कंप्लीट आपने खुद करनी है. ओके, और इस पेज का वर्क भी आपने करना है, पेज नंबर 77 का. आइए अपनी डायरी की तरफ चलते हैं. ओके क्लास, डायरी क्या है आपकी? रीड चैप्टर नंबर 9. ठीक है, आपने रीड करना है, कंप्लीट चैप्टर रीड कीजिएगा प्लस डू बुक पेज नंबर 77 जो मैम ने आपको वर्क करवाया है वो आपने करना है. ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा. टेक केयर, अल्लाह हाफिज.